आरोग्य भारती के सहयोग से एनआईटी हमीरपुर परिसर में उत्तर क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित और साथ ही एनआईटी के निदेशक सूर्यवंशी, आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मेहता, डीसी हेमराज बैरवा और एसपी आकृति शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज पर्यावरण पूरे विश्व का विषय बना हुआ है, तो वहीं और विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण एक चिंता का विषय बन चुका है और मैं समझता हूं कि ये पूरे विश्व का विषय है, न केवल भारत का या उत्तर भारत का। विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ये कहा, जब ये इसकी बात हो रही थी कि भाई भारत को कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता है, पर्यावरण मजबूरी नहीं है। विश्व के लोगों को इस पर सोचना चाहिए, भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करने का काम करता है। मुझे लगता है कि सबको भी, हर नागरिक। तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संस्कृति प्रेमी हूं और कोशिश रहती है कि संस्कृति की संरक्षण की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलजुल कर नशे को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए और काम जो है वो किया भी जाएगा, सभी की तरफ से सहयोग भी दिया जाएगा, उस दिन संस्कृति भी अच्छी हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं संस्कृति प्रेमी हूँ और हम प्रयत्न ये करते हैं कि जितनी भी सांस्कृतिक संरक्षा की जा सके वो किया जाए, लेकिन आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और आपसे निवेदन इस नाते का हो, क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। हिमाचल में जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस पर सबसे अधिक अगर उद्वेलित करने का काम कर सकोगे तो आप लोग कर सकोगे, नशा को खत्म करने के लिए। क्या कि घरों घरों में घुस गया है, तो जिस दिन हम सब लोग मिलकर करेंगे इस पर, हिमाचल की संस्कृति उसी दिन और